हेलो व्यूवर्स, तो आज आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में किस तरह से आप अपना लैपटॉप, पीसी, टावर, कोई भी किसी भी किस्म का कंप्यूटर है, आप वेरी इजीली किस तरह से उसको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन साथ में ये भी बताता चलूं कि इस काम के लिए आपको किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं, किसी के भी पीसी को अपने एंड्रॉयड पे कनेक्ट करना चाहते हैं, वेरी इजीली आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और सेकेंड के आप इसमें रहते हुए इस सॉफ्टवेयर में मैं जो आपको बताऊँगा, सेम वाईफाई, एक ही वाईफाई होना भी ज़रूरी है। अगर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो आपका मर्जी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले करना क्या है कि आपको जाना है google.com पर, ठीक है। तो मैं अपने गूगल को ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल ओपन कर लेने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पर पीसी रिमोट सर्वर, ठीक है। पी सी फिर स्पेस फिर रिमोट फिर स्पेस और फिर सर्वर, ठीक है। इस तरह से लिख के सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में सबसे पहली वेबसाइट ही यही है, pcremoteserver.com। तो ये है पीसी रिमोट सर्वर, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस वेबसाइट पर चले जाइए और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ये कंप्यूटर के लिए है, तो आप इसको कंप्यूटर के लिए अपने डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। और जो आपके मोबाइल के लिए, वो यहाँ से लिंक नहीं मिलेगा और ना ही आपको गूगल प्ले पर मिलेगा, वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे और ना ही इनके लिंक से। तो उसको कहाँ से डाउनलोड करना है जो मोबाइल के लिए, उसको आपने डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ठीक है। तो मैं ये कंप्यूटर पे जो है मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और जो मोबाइल वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब वहाँ से क्लिक करके उस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पर हमने कर लिया है इसको इंस्टॉल। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने स्मार्टफोन पर। तो ये लीजिए। अच्छा, आप इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, तो चलिए मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ये मैं 5306, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दीजिए पासवर्ड, ठीक है, ओके, अप्लाई हो गया। तो अब मैं आपको मोबाइल पर लिए चलता हूँ। तो जनाब ये लीजिए, ये मैं आपको मोबाइल पर दिखाता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ऐप का, ठीक है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये है वो ऐप, इसका नाम भी पीसी रिमोट और आगे है बेटा, ये ब्रैकेट में है। तो ये वो है सॉफ्टवेयर, आप इसको ऐप को इंस्टॉल कर लो। मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में यहाँ से सिंपली आपको करना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैंने अपनी डिवाइस पहले ऐड की थी, तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से आपको बताता हूँ किस तरह से ऐड करनी है। ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर क्लिक करें। और अब यहाँ पर आपको जो आईपी एड्रेस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें 192.168.43.2, ये मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है ये वो है। तो अब मैं यहाँ पे वो कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 192.168.43.2, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे पासवर्ड जो मैंने वहाँ लगाया था पासवर्ड में, वो लगाता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद डन, और ये लीजिए कनेक्ट, बहुत ही स्पीड में कनेक्ट हुआ है। यानी इसमें आपको ज़रा सा भी कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है ना,
यहाँ पे आप क्लिक करो डेस्कटॉप पे, तो ये आपका डेस्कटॉप मोड हो जाएगा। यानी आपका पूरा पीसी लैपटॉप कंप्यूटर ये लीजिए आपके सामने बिल्कुल लाइव आ चुका है आपके मोबाइल फ़ोन में। आप अब यहाँ से किसी भी तरह से अपने कंप्यूटर को कर सकते हो कंट्रोल इजीली, वेरी इजीली, ठीक है। तो ये वेरी सिंपली आप अपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। ये देखें बिल्कुल जैसे आपका लैपटॉप में आप यूज़ कर रहे हो उसी तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में अपना पूरे का पूरा लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हो। और डबल क्लिक किसी भी जगह कर दें स्क्रीन पे, किसी भी चीज़ को आपको क्लिक करना है तो वो हो जाएगा क्लिक। तो यहाँ मैं वेबसाइट में जाता हूँ गूगल में और आपको दिखाता हूँ कुछ लिख के। यानी आप यहाँ से क्लिक करें और कीबोर्ड को निकाल लें, ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखें कुछ भी लिखिए, ये आपके बिल्कुल लाइव, देखें कितना बेस्ट है यार। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिलता है माउस, सबसे पहले माउस है, फिर ठीक है माउस में चलते हैं। तो अगर अपने आप लैपटॉप या पीसी पर माउस के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही स्मूथ है यूज़ करने में। और इसमें आपको मिलता है कीबोर्ड, यानी आपको कीबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं जो भी लिखना चाहते हैं। उसके बाद में पावर के आपको कंट्रोल सारे मिलते हैं, शट डाउन के लिए, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ और रिस्टार्ट, यानी सब के सब पावर के जितने ऑप्शन हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद में ये वॉल्यूम का जो है ऑप्शन, ये भी मिलता है आपको कम या ज़्यादा करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तीर के सामने बने गोल निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ वीडियो मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें।